कि वक्त का मारा कहूँ या के गरीबी का शिकार, वक्त का मारा कहूँ या के गरीबी का शिकार, दिल मेरा तोड़ के मंसूर अरब जाता है, दिल मेरा तोड़ के मंसूर अरब जाता है। इसमें उर्दू कतर के ज़ेर है तमाम दुआ कतर में शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। हमारे साथ है जनाब मंसूर आजमी साहब, ये मुशायरा इनेकाद करने का मकसद क्या था? जी बस उर्दू की और खिदमत करना और इस्लाह करना, लोगों की इस्लाह करना, यानी जो माशरे में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, गलत फहमियों के शिकार हैं, ऐसे लोगों को अपने शेर के ज़रिए चाहते हैं कि मोहब्बत प्यार बना रहे हर तरह का। अफकार भी गुस्से के सबब जाता है, उसने अफकार भी गुस्से के सबब जाता है, तैश में आऊं तो लहजे से अदब जाता है। क्या कहने यार, बहुत अच्छा बतलाया मंसूर भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। तैश में आऊं तो लहजे से अदब जाता है, और धीमी आवाज में जब शेर सुनाता हूँ आवाज में, जब धीमी आवाज में जब शेर सुनाता हूँ मैं, मेरे उस शेर का मफहूम ही दब जाता है, मेरे उस शेर का मफहूम ही दब जाता है। ऐसे शेर हैं जो मैंने इसलिए कहा है कि आप जितने भी लोग हैं उसमें भाई भाई का ताल्लुक रहे। शेरों में भी मैंने बहुत सी चीज़ें इसी तंज भी की है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको तंज करना चाहिए तो मैंने तंज भी किया है, लेकिन मैं कोशिश में ही रहा हूँ हमेशा कि एक जहती मोहब्बत प्यार बना रहे। आपका एक शेर अभी सुना कि जो अरब वाले हैं, शेर है कि वक्त का मारा कहूँ या कि गरीबी का शिकार, वक्त का मारा कहूँ या के गरीबी का शिकार, दिल मेरा तोड़ के मंसूर अरब जाता है। दिल मेरा तोड़ के मंसूर अरब जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ें हैं और तख्लीकी चीज़ें इसलिए चाहते हैं कि अपने जो मुकर्रर हैं, जो तकरीर करने वाले लोग हैं, भाषण देने वाले लोग हैं, वो अपने अंदाज में अपनी भाषा में अपनी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग चूँकि शायर हैं तो हम लोग चाहते हैं कि शेर के हिसाब से ही और लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए, मोहब्बत बनी रहे, प्यार बना रहे, तो यही सब चीज़ें हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई हमारे साथ बातचीत करने।